वेलबिलिटी हम्म वबलबिलिटी सुन लो ध्यान से वर्बलबिलिटी का टॉप करना आपको हम्म hmm? तो 99 परसेंटाइल आपको अगर लेके आना है तो उसका प्लान बता रहा हूं सुनिए 16 क्वेश्चन टू 17 क्वेश्चन राइट आउट ऑफ 24 क्वेश्चन यू आर गुड टू गो यू विल बी ऑसम ठीक है नंबर वन हैक नंबर वन रीड हैट इज आस्ट नावल नहीं पढ़ने हैं टाइम पास नहीं करना है ये पाँच टॉपिक होते हैं हैक नंबर वन नेचर ह्यूमैनिटीज फिलॉसफी, साइंस हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी लिटरेचर हम्म, सिंपल नेचर ह्यूमैनिटीज़ है अनुराग क्या हाल है फिलासफी साइंस एस एस टी सबके टॉपिक सुनो नेचर नेचुरल साइंसिस मैं बाहर बार बोल चुका हूँ घोड़ा गदा कुत्ता बिल्ली कैट loves ऑल दीज थिंग्स कैट खुद भी कैट है है ना बैड जोक बट पिछली बार था फिश उसके पहले पेंगुइन उसके पहले डॉग उसके पहले एलिफेंट नंबर वन तो इसलिए ये डॉल्फिन वगैरह हाँ ये सब ये पढ़ना शुरू कर लीजिएगा ठीक है आगे ये पिछले पाँच साल की बता रहा हूँ मस्ती मदाक मत लिया करो मेरी बात है तो इसलिए जो नेशनल जोग्राफिक वाले टॉपर होते हैं वो यहाँ पे आते हैं आगे देखते हैं ह्यूमैनिटीज़ ह्यूमन रेस कैसे बढ़ी है फिलासफी जडम फिलासफी हमारे पूर्वज कैसे थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिटलर ने क्यों मारा ज्यूज को राइट right? वो हिस्ट्री भी है फिलासफी आगे साइंस साइंस बेस आर सी अभी आने शुरू हो गए पहले नहीं आते थे हाँ पहले नहीं आते थे यार साइंस मतलब स्क्रीन बेस्ड टाइम तुम स्क्रीन पे कितना टाइम स्पेंड करते हो ऑनलाइन एजुकेशन टेक एजुकेशन इज इट फ्रूटफुल और नॉट हाउ पीपल वर टॉकिंग अबाउट दैट एस एस टी हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी ये टॉपिक्स से यहाँ से ही आते हैं हु? हिस्ट्री सिविक जोग्राफी हिस्ट्री हड़प्पा सिविलाइजेशन टू थाउजेंड फाइव टू थाउजेंड सिक्स कैंड मोहन सिविलाइजेशन उस टाइम पे आदि थी हड़प्पा मोहन जुदारों. आपने पढ़ी भी हुई है इनका सिविलाइजेशन इनका सिविलाइजेशन माचा पिछचू में वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ अर्थ हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट मुझे कभी कभी फीलिंग आती है रिसेंट हिस्ट्री आएगा वियतनाम वॉर ये कभी नहीं आई रिसेंटली मतलब उन्नीस सौ साठ उन्नीस सत्तर वाली वियतनाम वॉर क्या हुआ था हॉगकॉन्ग स्टिल अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हाँ स्टिल लाइक रिसेंटली वन ऑफ द लास्ट कॉमनवेल्थ कंट्रीज टू गॉड ऑफ ब्रिटिश रूल ये जो रिसेंट हिस्ट्री पचास साल की इसका भी आरसी आ सकता है आगे लिटरेचर लास्ट दो साल से कैट इज लविंग लिटरेचर ये पढ़ना शुरू कर लीजिए हैक नंबर वन है अब मैं आपको बता रहा हूँ वर्कआउट ये आप घर पर बैठे पड़ेगा ठीक है हाँ मैशो पटाभे सिविलाइजेशन इस देखिए इसका सोर्स क्या है बेस्ट सोर्स फटाफट ले लीजिए इज कॉल बी गुड फ्रीली अवेलेबल गूगल मार्क कैट किंग स्टूडेंट डैशबोर्ड पर स्टार्टिंग फर्स्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ा हुआ है सात मिनट का वीडियो है वो आप चेक कर सकते हैं गूगल मार्केस चेक करना ऑन ओपी इन के अंदर सारे जो भी सुनो ध्यान से इऑन क्यों जरूरी है इन के अंदर ट्राइड एंड टेस्टेड जितने भी कैट के सोर्सेज हैं द अटलांटिक न्यूयॉर्क टाइम्स गार्डियन स्मिथसोनियन ये भी सोर्सेज है अगर यहां से पढ़ना ये भी पढ़ लो पर ईन के जो ऑथर्स हैं वो ये वाले ऑथर्स बाकी जगह जाके भी लिखते हैं सो यू गेट डिफरेंट टॉपिक्स इन ईन ओनली बट दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर वन हैक नंबर वन इज रीड वॉट चास्ट नॉवल ओनली पढ़ने आगे चलती है आरसी सी आउट ऑफ कंटेक्स हैक नंबर टू आरसी के सोलह सवाल आने वाले ठीक है आगे पैराजेंबल आउट ऑफ कंटेक्ट पांच सवाल आने वाले हैं पैरासमरी तीन सवाल आना जिनको अभी तक तो ये रट्टा नहीं पता चला वो बड़े बेवकूफ बच्चे हैं हाँ, बेटा बेटा पेपर तो रट्टा मार लो हं? आगे आरसी आप क्या करेंगे मैं आपको दो घंटे का वर्क बता दो आरसी के लिए गॉड बना है तो क्या करना शुरू करना है? देख लीजिए पहली बात आरसी के टॉपिक बता दिए ये टॉपिक ढूंढो यहां से पढ़ना शुरू करेंगे लेट्स वर्कआउट वर्कआउट कैसे करना है दो आरसी रोज के करेंगे साथ में बैठ के पांच पैराज रोज के करेंगे एक ए रोज का पढ़ेंगे नंबर थ्री और नंबर फोर पांच पैरासमरी रोज के करेंगे पैरा और आउट ऑफ कंटेक्स क्वेश्चन जिसके पांच आते हैं एक दिन पैरा कर लिया एक दिन आउट ऑफ कंटेक्स क्वेश्चन कर लिया समझ आ गया दो आर सी दो आर सी करने में आधा घंटा जाएगा पांच पैरा करने में दस से पंद्रह मिनट जाएंगे और पांच पैरासमरी करने में पंद्रह मिनट जाएंगे मैक्सिमम आगे थर्टी मिनट्स ऑफ एन एसिस ये टोटल दो घंटे का वर्कआउट है दिस इज अ वेरी बिग हैक फॉर यू वन टू एंड थ्री एक और हैक सेम uh, कर रहे हैं बहुत बढ़िया हाँ अगर तो बहुत वर्बल वीक है बहुत वर्बल वीक है उ ऑफ कंटेक्ट पैरासम्बरी इसमें क्ल कर दीजिए आठ सवाल आएंगे आगे आर सी आर सी इज सोलह सवाल एंड सिक्सटीन क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट या ये कर लीजिए एक अच्छा बच्चा दो तरह से कैट नाइन्टी नाइन परसेंट लेके आता है कैसे लेके आता है या वो चार आर सी से फॉर एग्जाम्पल आए उसमें से दो आर सी कर पाता है और साथ में पैराजिंबल ओसी पैरासमरी सारे के सारे आठ पूरे के पूरे फाड़ दिए उसने दो आर के आठ क्वेश्चन उसके बन गए या आठ क्वेश्चन पैराजिम्बल ओसी पैरासमरी बन गया सिंपल सिंपल एक ये तरीका होता है दूसरे बच्चे जिनका आरसी स्ट्रांग होता है वो सोलह में से तीन आर सी पिकअप करते हैं बारह क्वेश्चन करते हैं चार 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 क्वेश्चन के से मिल गए उनको और यहाँ से अराउंड पैर से अराउंड छह सात क्वेश्चन पांच छह क्वेश्चन जाते हैं एंड दे क्रॉस द दिक्कस मार्क हाउड इज सिंपल फंडा बॉयज एंड गर्ल्स नाइन थैंक यू सो मच गॉड्स यू गैस की प्राउड एंड मे योर पेरेंट्स प्राउड थैंक यू सो मैच